लिए सालों साल हमने ये समझा कि ये पाकिस्तान का सेवियर है, एक्चुअली उस शख्स ने आके आज पाकिस्तान के साथ वो खिलवाड़ कर दिया कि जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन नहीं कर सका था। तो आज मैं हालांकि बड़ा छोटा था लेकिन मुझे रह रहे के याद आ रहा है जियाउल हक का टाइम, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को दूसरी बार ही जो इतना शदीद नुकसान पहुंचा है, पहले तो जियाउल हक के टाइम पे पहुंचा था और आज इमरान हो गया। अब आप देखें कि पाकिस्तान के लिए कितना ये डार्क, जैसे आप कहते हैं ना काला दिन है, कि एक सदर, एक वजीर आजम जिसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन, और कानून ये कहता है कि आपके मुल्क में आपके अगेंस्ट। तो दोस्तों वीडियो में स्टार्टिंग में आपने देख लिया पाकिस्तान में जो सिचुएशन है उसको लेकर मुबशिर लुकमान कमर चीमा बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान की संसद में बिल्कुल सर्कस बना हुआ है, लेडी एक दूसरे के बाल पकड़कर झपट रही हैं एक दूसरे को। पूरा वीडियो आया नहीं है, ये छोटा सा वीडियो आया, मैंने ये दिखाया। आगे वीडियो में बात हो रही है इमरान खान ने किस तरीके से असंवैधानिक तरीके से पाकिस्तान को सर्कस बना दिया है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं कुछ बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं जिस जगह बैठा हूँ, अगर आपको मेरे पीछे वो बिल्डिंग नजर आ रही है, यानी नहीं इस साइड पे, तो क्योंकि हेजी मौसम है मुझे नहीं पता क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। ये MI6 का हेड ऑफिस है, तो जो भी PTI वाला देखेगा वो कहेगा कि ये देखे इसमें तो MI6 भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जहाँ से ये कर रहा है ना वहाँ आम आदमी बैठ के कर ही नहीं सकता। तो बहरहाल आज मुझे हंसी तो आ रही है लेकिन मुझे दुख बड़ा हो रहा है। मुझे दुख ये हो रहा है कि जिस शख्स को हमने ताकतवर बनाया अल्लाह की मदद से, जिस शख्स के लिए हमने इतनी मेहनत की, जिस शख्स के लिए सालों साल हमने ये समझा कि ये पाकिस्तान का सेवियर है, एक्चुअली उस शख्स ने आके आज पाकिस्तान के साथ वो खिलवाड़ कर दिया कि जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन नहीं कर सका था। तो आज मैं हालांकि बड़ा छोटा था लेकिन मुझे रह रहे के याद आ रहा है जियाउल हक का टाइम, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को दूसरी बार ही जो इतना शदीद नुकसान पहुंचा है, पहले तो जियाउल हक के टाइम पे पहुंचा था और आज इमरान खान। और इमरान खान और उसके साथियों पे पहले तो मैं मातम करूंगा कि जो बड़ी खुशी खुशी कह रहे हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ऐसी तो नस गए तो कर लो जो करना है, किसी की अचकनसिली रह गई, किसी का ये रह गया। अगर कोई चीज़ रह गई है इस मुल्क में तो वो अफरा तफरी रह गई है, अगर कोई चीज़ बच गई है इस मुल्क में तो वो NRC बस होना बाकी है, बाकी तो ये काफ़ी कोशिश करवा चुके हैं, सब कुछ करवा चुके हैं। यानी कैसी बात है कि जमहूरी हुकूमत अपना खात्मा खुद करती है और अपने आप को खुद खत्म करती है, और उसके बाद मिठाइयाँ बांट रही है और उसके बाद वो मुबारकबादें दे रही है एक दूसरे को कि वेल डन कप्तान, वेल डन कप्तान। और मैंने मीम्स देखी हैं कुछ ट्विटर वगैरह पे, लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजी हैं कि ये अच्छा कप्तान है कि जब मैच हारने लगा तो स्टम्प्स और बैट्स वगैरह उठा के ही भाग गया साथ, कि जी ना मैं आउट होऊंगा तो ना ये मैच का फैसला होगा। तो बहरहाल ये बचगाना बातों का दुनिया में तो कोई इसकी गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इमीडिएटली सुओ मोटो लिया क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है ये पैदा किया गया है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज असद कैसर इजलास की सरबराही नहीं कर सके, अपोजिशन ने उनके ऊपर यानी ऑब्जेक्शन की हुई थी, तो डिप्टी स्पीकर को करनी पड़ी कासिम सूरी को। तो जो चीज़ अब रिकॉर्ड हो गई है, कासिम सूरी के जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है कि इसका मतलब वो पढ़ी हुई थी, वो लिखी हुई थी, वो साइन हुई हुई थी, और कासिम सूरी ने उसी तरह पढ़ी, उनका आए असद कैसर स्पीकर नेशनल असेंबली और वो पढ़ गए। अब ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा आ गया, ये तो टीवी कैमरास ने रिकॉर्ड कर लिया नेशनल असेंबली के, इसका मतलब है सब कुछ प्री प्लान था, और इसका मतलब है कि सब कुछ इसके पीछे जो है दो नंबरी है, इसके पीछे मलिशियस कार्रवाई है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने की सजा जो है वो मौत है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन शामिल हो सकता है, क्या वजीर आजम हो सकते हैं कि नहीं, डिप्टी स्पीकर तो डेफिनेटली है, क्या प्रेसिडेंट होंगे इसमें कि नहीं, क्या इसमें फवाद चौधरी जिन्होंने वो रेजोल्यूशन पेश किया वो उसमें शामिल होते हैं कि नहीं होते, मैं कोई आईनी माहिर तो नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कम अज कम 2-3 लोग जो है वो Article 6 के जरूर मुर्तकब हुए। इसी तरह की उल्लड़बाजी जो है पंजाब असेंबली में भी चल रही है, और मुझे एक फोन आया चौधरी परवेज लाई के करीबी साथी का, उनका अल्लाह ने साड़ी इज्जत रख ली, देखो असं यह तो कह सकते हैं कि जनाब असी तो वजीर आला बन रहे सन, भाई इजलास ही नहीं होया तो असी की करिए। तो वो सारी दुनिया को पता है कि कौन जीत रहा था और कौन नहीं जीत रहा था, और सारी दुनिया को पता है कि नंबर्स क्या है, तादाद क्या है, वो तो अपोजिशन तो बैठी हुई है नेशनल असेंबली में, आपने बत्ती बंद कर दी है, पानी बंद कर दिया है वहां पे, हो सकता है रात तक किसी को ख्याल आए सियोरे भी बंद कर दे, कर दें। अगर आपने अपने मुल्क में पार्लियामेंट को इतना बेवकूफ करना है, अपने अगर आपने अपने मुल्क में आइन को एक चीथड़े के कागज की तरह उसको रोंद रहे हैं,
और अगर आपने अपने मुल्क में दिफा का निज़ाम हो, अदलिया का निज़ाम हो, आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स हो, मीडिया हो, वेमेन राइट्स हो, इन सब को तह तेह करना है तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन मुल्क इस तरह सर्वाइव नहीं करते। और आपने जिस तरह एक मजाक बना लिया कि जी एक इंटरनेशनल कॉन्स्परेसी हो रही है इसलिए इसको हमने कैंसिल कर दिया इजलास को, कौन सी इंटरनेशनल कॉन्स्परेसी हुई है? कोई सबूत तो दे दो यार, कोई प्रूफ तो कर दो। बातें कर करके ये 35 पंक्चर की तरह अपने आप को बेइज्जत कराओगे बार बार। वो नजम सेठी के आगे बेइज्जती हुई थी, ये पूरी दुनिया के आगे जगसाई हो रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उसके ऊपर वोटिंग होनी ही होनी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, और मजे की बात ऑपोजिशन को सुना ही नहीं, ऑपोजिशन से कुछ पूछा ही नहीं है, और दिन क्या है वोट करना। और मजे की बात देखिए, इतनी बड़ी इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है, कानून के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की है कि मेरे जैसा शख्स जो हमेशा इमरान खान साहब को एक लिवरेज देता था, मैं हमेशा ये कहता था कि इस बंदे के अंदर उम्मीद है, जब इमरान खान साहब ने मीडिया को चैलेंज करना शुरू किया तो मुझे शुरू से लगा ये बंदा स्टेटस को तोड़ने वाला है, ये बंदा स्टेटस को के खिलाफ खड़ा होगा। पर हमें क्या पता था कि जिस बंदे को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिस बंदे को हम समझते हैं ये लीडर है, और पाकिस्तानी इसी बात पर बड़े खुश हो रहे हैं कि ये पर्ची के बगैर पढ़ता है, ये शख्स पर्ची के बगैर तकरीर करता है। आप इमेजिन कर लें कि छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं पाकिस्तानियों की और ये पाकिस्तान को आज किस मुकाम पर लेके आ गए हैं। मैंने जब से होश संभाली है, जारी बात है, मेरे सामने ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया, इससे पहले मुशर्रफ जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लेके आए, कू किया, एमरजेंसी लगाई, तो उस वक्त आई वाज अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, तो मुझे इन चीजों का अंदाजा नहीं था कि ये क्या होता है। लेकिन सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आज भी मैं सारा दिन इसके ऊपर टेलीविजन पे बैठा रहा और डिफरेंट चैनल्स पे, पाकिस्तानी बाहर के चैनल्स, इंडियन चैनल्स के ऊपर जारी बात है तबसरे करते रहे और लोगों को इंटरव्यूज देते रहे, तो मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि किस तरह इमरान खान पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बने जिसके अंदर वो अकेले रूल करे, और वो समझते हैं कि मैंने, उन्होंने, आपने अगर मेरी पिछली कुछ दिनों की वीडियोस देखी हो तो मैं कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहा था, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली मैं एक चीज कह रहा था कि इमरान खान अगला इलेक्शन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लड़ेंगे। लेकिन पता नहीं जिसने किसी ने सुना या नहीं सुना या मेरे वीडियोस देखी हैं कि नहीं, लेकिन जिन लोगों ने देखी है उनको पता होगा कि मैं ये कॉन्टिन्यूसली प्रेडिक्ट कर रहा था। लेकिन मुझे इस चीज की जारी बात है, मैं इसको नहीं समझ पाया था कि इमरान खान इस तरह करेंगे कि ये जो असेंबलियां तोड़ देंगे, नो कॉन्फिडेंस कहेंगे कि जी ये इलीगल है और ये अमेरिका के साथ मिलकर ऑपोजिशन कर रही है। मुझे ये था कि इमरान खान के पास डिलीवर करने को कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग टू ऑफर टू द पीपल इन 2023 इलेक्शंस। तो उन्होंने क्या किया, वही हुआ कि वो फॉरेन पॉलिसी पे कन्वर्ट हो गए। अच्छा, एंटी इंडियनिज्म पे नहीं गए, क्योंकि इंडिया बड़ा पिट चुका है ना पाकिस्तान में, अब वो उसके ऊपर इतना वो मिलता भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं ऐसे करता हूं, मैं अमेरिका पे चला जाता हूं, क्योंकि मैं अमेरिका पे डाल देता हूं। अब अमेरिका के पे इसलिए चले गया क्योंकि बाइडेन साहब फोन नहीं उठाते। भाई बाइडेन फोन नहीं उठा रहा भाई आपका, तो ताल्लुकात डाउनग्रेडेड है। दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खत्म हो गए। अभी देखिए इतना खतरनाक बयानिया इमरान खान ने पाकिस्तान में क्रिएट कर दिया है, हर बंदे को गद्दार, हर बंदे को मुनाफिक, हर बंदे को गाली, यूथ गाली दे रही है। मतलब मैं जो चीजें कभी इग्नोर कर देता था और कहता था नहीं आवाम है, हाइपर है, शायद इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है समाप्त। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में मुबश्शिर लुकमान जैसा पत्रकार जो इमरान खान का डाई हार्ट सपोर्टर था, ये पूरी तरह से बदल गया है। हालांकि ये बदला है, फवाद चौधरी के साथ इसकी झड़प हो गई थी एक शादी के दौरान, फवाद चौधरी ने इसको लतिया दिया था, इसको थप्पड़ वप्पड़ मार दिए थे और कॉलर वालर पकड़ के इसको काफ़ी, मतलब इसके साथ बदतमीजी हुई थी जो काफ़ी मतलब वायरल हुई थी जो न्यूज़, उसके बाद से ये मतलब पूरी तरह से बदल गया। और ये वैसे भी मशहूर है, ये काफ़ी बड़ा मतलब लौंडियाबाज है, इसके आप वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पर आप देखिए इसकी हरकतें, पता चल जाएगा आपको। हलीम, जो हलीम मुझे याद नहीं आ रहा, हलीम शाह एक पाकिस्तानी टिकटॉकर है, उसके साथ ये, इसके पास इसका खुद का प्राइवेट जेट है। हालांकि ये वीडियो इस मुबश्शिर लुकमान पर है नहीं, मैंने थोड़ा सा इसकी तारीफ ज़्यादा कर दी है। गाइस, पाकिस्तान में जिस तरीके से इमरान खान ने अविश्वास पत्र को गैर संवैधानिक किया और पाकिस्तान की सदन को भंग कर दिया, ये पूरी तरह से मतलब ये वर्ल्ड में एक न्यूज बन गई है कि किस तरीके से इमरान खान सत्ता के लिए मतलब गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हालांकि अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं है ऑफिशियल तौर पर, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है और सुप्रीम कोर्ट कल इसका फैसला देगा।
इमरान खान अगर रहते भी तो 180 दिन बाद इलेक्शन होते। अब इमरान खान की डिमांड है कि 90 दिन के अंदर नए इलेक्शन कराए जाएं और गवर्नमेंट फिर से देखें किसकी आती है, उसके बाद डिसाइड होगा। पाकिस्तान आर्मी का भी कोई जवाब स्टेटमेंट नहीं आया है। पाकिस्तान आर्मी का स्टेटमेंट कल आएगा, पता चल जाएगा क्या होता है पाकिस्तान में, क्या सिचुएशन है। आपको क्या लगता है दोस्तों इमरान खान को लेकर, भारत को लेकर इमरान खान की मतलब जो नीति रही है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे खराब प्राइम मिनिस्टर में से एक रही है। मतलब इन्होंने भारत को लेकर बिल्कुल डिप्लोमेटिकली भारत पाकिस्तान के सबसे खराब रिश्ते रहे, और इमरान खान ने ट्विटर हो या कोई भी मतलब माध्यम हो भारत को लेकर बहुत ही ज़्यादा निचले दर्जे की बात की है। बात पाकिस्तान के सभी प्राइम मिनिस्टर करते थे, लेकिन इन्होंने एक निचले दर्जे के शब्दों का प्रयोग किया है जो कि शायद इनके रहते हुए अब भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। इन्होंने घटिया दर्जे की बात की है, मतलब वो आरएसएस हिंदुत्व, एक बड़ी कुर्सी पर एक छोटा चाय वाला बैठा, इस तरीके के घटिया वर्ड तक यूज़ किए, स्मॉल मैन सिटिंग इन अ बिग ऑफिस, इस तरीके की मतलब बहुत घटिया लेवल की बातें की हैं। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी रहते हैं और वहाँ पर इमरान रहते हैं तो कुछ बात बनेगी। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब